चलिए दोस्तों, लेकर आ गए आपके लिए और जबरदस्त वीडियो, जिसमें आज हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं दो एप्पल की कॉपी स्मार्ट वॉचेस के। जी हाँ, मॉडल का नेम है यहाँ पर T55 स्मार्ट वॉच और W26 प्लस प्रो स्मार्ट वॉच। डेफिनेटली दोस्तों, हमने इस दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के रिव्यू वीडियो और अनबॉक्सिंग वीडियो बनाए हुए। ये वीडियो खत्म करके आप वो वीडियो जरूर से जाके देख सकते हैं, लिंक मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में हम साइड बाय साइड इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के कंपैरिजन करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हम ऐसे ही मजेदार वीडियो हम आपके लिए बनाते रहे। फिर चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस से क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं स्मार्ट वॉच के साथ हमको यहाँ पर बॉक्स में क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें W26 प्लस प्रो स्मार्ट वॉच की, तो यहाँ पर हमको स्मार्ट वॉच उसके साथ यहाँ पर एक स्ट्रेप्स जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, उसके साथ हमको यहाँ पर एक मैग्नेटिक यहाँ पर चार्जर देखने को मिल जाता है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक यूजर मैनुअल दिया गया है, और कुछ यहाँ पर हमको इस स्मार्ट वॉच में देखने को नहीं मिलता है। बात करें दोस्तों यहाँ पर T55 स्मार्ट वॉच की, सबसे पहले हमको यहाँ पर स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाएगी, उसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपको दो पेयर ऑफ स्ट्रेप्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर भी आपको मैग्नेटिक वाली यहाँ पर केबल वाली चार्जर दी गई है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक यूजर मैनुअल दिया गया है। दोस्तों अगर बात करें दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के अनबॉक्सिंग के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर T55 स्मार्ट वॉच में आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर स्ट्रेप्स देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर नाइकी एडिशन वाला है। तो दोस्तों ये तो कंपैरिजन थी कि यहाँ पर बॉक्स में आपको क्या कुछ यहाँ पर दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। चलिए अब रखते हैं सब कुछ साइड में और बढ़ते हैं अपनी स्मार्ट वॉच की ओर। इसे दोस्तों अगर हम बात करें डिजाइन की, तो यहाँ पर दोनों ही स्मार्ट वॉचेस यहाँ पर एप्पल की यहाँ पर कॉपी की गई है। दोनों ही स्मार्ट वॉच यहाँ पर चाइनीज है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो T55 स्मार्ट वॉच है वो यहाँ पर एप्पल की सीरीज 5 की कॉपी है, और यहाँ पर जो W26 प्लस प्रो स्मार्ट वॉच है वो यहाँ पर एप्पल की सीरीज 6 की यहाँ पर कॉपी की गई है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये दोनों ही स्मार्ट वॉच एंड्रॉइड और iOS डिवाइस के साथ यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें T55 स्मार्ट वॉचेस के यहाँ पर फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम की यहाँ पर बॉडी फ्रेम देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर अगर बात करें हम पोर्ट्स एंड बटन के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर एक यहाँ पर आपको फेक यहाँ पर स्क्रोलिंग बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसे एज ए बटन के तौर पर आप इसको सिर्फ यूज कर सकते हैं। उसके नीचे हमको यहाँ पर एक माइक दिया गया है, और उसके नीचे हमको यहाँ पर एक होम बटन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर स्मार्ट वॉचेस को ऑन या फिर ऑफ करने में काम आएगा। दूसरी साइड बात करें तो यहाँ पर कुछ स्पीकर ग्रिल्स वगैरह दी गई है, और कुछ हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें W26 प्लस प्रो के बारे में, तो हमको यहाँ पर एल्यूमिनियम की यहाँ पर बॉडी फ्रेम देखने को मिल जाती है, जस्ट लाइक यहाँ पर T55 स्मार्ट वॉच। वहीं पर दोस्तों अगर हम पोर्ट्स एंड बटन की बात करें, तो हमको यहाँ पर एक वर्किंग स्क्रोलिंग बटन देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर काफी अच्छी बात है। साथ ही दोस्तों आप इसको एज ए प्रेस बटन के तौर पे भी यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात थी यहाँ पर डिजाइन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में। अगर हम बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने दोनों ही स्मार्ट वॉचेस यहाँ पर स्क्रीन यहाँ पर ऑन कर ली है। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में यहाँ पर आपको ऊपर की साइड यहाँ पर ग्लास की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफी यहाँ पर अच्छा लुक देती है। दोस्तों अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के बारे में बात करें, तो यहाँ पर T55 स्मार्ट वॉच में आपको 75 यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर W26 प्लस प्रो स्मार्ट वॉच में यहाँ पर आपको 80% यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा। सो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर W26 प्लस प्रो स्मार्ट वॉच में यहाँ पर आपको ज्यादा बड़ी स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर बात करूं ब्राइटनेस के मैटर में, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो T55 स्मार्ट वॉच के मुकाबले हमको यहाँ पर W26 प्लस प्रो में और भी ज्यादा कलरफुल यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। डेलाइट में अगर बात करूं, तो दोस्तों T55 स्मार्ट वॉच में आपको थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें W26 प्लस प्रो के बारे में, तो धूप वगैरह में आपको कोई भी यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें टच रिस्पॉन्स के बारे में, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही स्मार्ट वॉच यहाँ पर कॉपी यानी क्लोन प्रोडक्ट है, तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के टच रिस्पॉन्स यहाँ पर मैं ओके कहूंगा। वैसे प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे ज्यादा उम्मीद करना भी सही नहीं लगता। दोस्तों अगर फीचर्स के बारे में बात करूं, तो W26 प्लस प्रो में आपको ज्यादा फीचर्स
फीचर्स देखने को मिल जा रही है। बेसिक फीचर जैसे कि कॉल डायलिंग है, मैसेज नोटिफिकेशन है, फोन बुक है, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह जैसे फीचर आपको यहाँ पर दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर जो W26 Plus Pro है उसमें आपको जो कैलेंडर है, कैलकुलेटर है, एक आध छोटी गेम है, ये सब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स के तौर पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी डेफिनेटली दोस्तों अगर हम बात करें यूजर इंटरफेस की तो आपको T55 स्मार्ट वॉच के मुकाबले यहाँ पर आपको W26 Plus Pro ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो डिस्प्ले के मैटर में हो, चाहे वो बिल्ड क्वालिटी के मैटर में हो, चाहे वो प्रोसेसिंग चिपसेट के मैटर में हो। चलिए अब बढ़ते हैं कनेक्टिविटी की ओर। दोस्तों अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर T55 स्मार्ट वॉच को आपको मोबाइल से यूज़ करने के लिए इसकी जो एप्लीकेशन है Fit Pro उसका आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर जो W26 Plus Pro स्मार्ट वॉच है इसको आपको मोबाइल से यूज़ करने के इसकी जो एप्लीकेशन है ही वॉच उसका यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा। और ये दोनों ही एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगी। डेफिनेटली दोस्तों इसकी जो एप्लीकेशन है इसका यूज़ करके आप दोनों ही स्मार्ट वॉचेस को अच्छे से यहाँ पर यूज़ या फिर कंट्रोल कर पाओगे। वैसे दोस्तों अगर बात करूँ T55 स्मार्ट वॉचेस के कनेक्टिविटी के बारे में तो मैं थोड़ा सा नाराज हूँ। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होता है कि जब भी मैं इसको स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट रखता हूँ ऑटोमेटिकली ये डिसकनेक्ट हो जाता है। सो वो एक बात मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट लगी है। वहीं पर दोस्तों अगर W26 Plus Pro के बारे में बात करूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसी कोई भी यहाँ पर दिक्कत महसूस नहीं हुई है। तो दोस्तों ये तो बात थी कनेक्टिविटी की, और चलिए अब बढ़ते हैं सबसे मेन पॉइंट बैटरी बैकअप के बारे में। तो अगर हम बात करें T55 स्मार्ट वॉच के बैटरी बैकअप के बारे में तो काफी ज्यादा मुझे पसंद आया। 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप यहाँ पर आसानी से आपको मिल जाएगा। पर दोस्तों मैंने इसलिए कहा कि अगर आप इसे स्मार्टफोन से कनेक्ट रखते हैं तो 2 से 3 घंटा मैक्सिमम, जी हाँ 2 से 3 घंटा ही यहाँ पर आपके बैटरी बैकअप मिलने वाला है, जो कि काफ़ी यहाँ पर मुझे डिसअपॉइंटेड लगा है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर W26 Plus Pro के बारे में तो 2 से 3 दिन का यहाँ पर आपको इसमें भी बैटरी बैकअप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप इस स्मार्ट वॉच को स्मार्टफोन से कनेक्ट रखते हैं तो 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप आपको इसमें आसानी से मिल सकता है। वैसे दोस्तों मार्केट में जो एप्पल की ओरिजिनल स्मार्ट वॉच आती है उसमें भी आपको 24 आवर्स का ही यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। सो उस मुकाबले यहाँ पर दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में काफी अच्छा बैटरी बैकअप उनको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर मेरे ओपिनियन के बारे में बात करें तो T55 स्मार्ट वॉच आपको 1000 के अंदर यहाँ पर आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है। वहीं पर दोस्तों ये जो W26 Plus Pro स्मार्ट वॉच है ये आपको 1500 के अंदर यहाँ पर आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है। सो प्राइस रेंज के हिसाब से आपको W26 Plus Pro में ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये ज्यादा स्मार्ट वॉच आपको पसंद आएगी। अगर आपको सिर्फ शो ऑफ करना है अपने दोस्तों के सामने तो आप T55 स्मार्ट वॉच भी खरीद सकते हैं। डेफिनेटली दोस्तों ये दोनों ही स्मार्ट वॉच काफ़ी बढ़िया है, और ये दोनों ही स्मार्ट वॉच इसके अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो बनाए हैं हमारे चैनल पर। सो ये वीडियो खत्म करके आप वो वीडियो जरूर से जाके अभी देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। जैसे दोस्तों बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो वगैरह बनाते हैं, एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे दोस्त। और कोई सवाल हो इस स्मार्ट वॉचेस या फिर वीडियो के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको उसके आंसर दूंगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।